भैया मोलिनर कितने हो? मोलिनर साहब इनवाइट करें मोटी जान मेरे मेरे बाबा जी दोनों याद करें। माशाल्लाह जेड़ा है ना मैं आप ही चुक लैना मतलब को नहीं इतने आके गायब हो जाते ने फीस भी ले ला। अस्सलाम वालेकुम सादे मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। यार मलक साहब आपका मैसेज मैंने सुना है व्हाट्सएप के ऊपर, तो अभी स्पेस चल रही है हमारी ट्विटर के ऊपर स्पेस चल रही है, तो अभी मैं छोड़ के इधर आया हूँ। तो सिर्फ सिर्फ ये बताने के लिए कि ये अली लंदन या ये 151 या ये वो ये सारा तबका वो ये मुल्हदीन का और ये छुपे हुए कोई कादियानी लोग हैं, समझ आई कि नहीं? तो ये इनको तो हम ये टिकटॉक पे जिस दिन हम आए थे ना उसी दिन ही हमें पता चल गया था ये थे हैं क्या। नहीं मुफ्ती साहब असल में ये है कि 151 ने जिस दिन की माफी मांगी है उसने दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं की हुई। हम नहीं जानते, मेरा किसी से कोई रابطہ था, हम क्या जाने कौन क्या। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ कि अब्बास नामी लड़का जो आपके कॉन्टेक्ट में आया और कॉन्टेक्ट में आके उस बंदे ने आपके साथ उनके बारे में बात की है और बात कर नहीं कोई बात बूझ नहीं ड्रामेबाजी ये क्या यार, मतलब आप समझदार हो। बात कौन बात? मैंने सुनी है, मेरे पास वो आई है और वो ही तो कह रहा हूँ कौन बात। पता है कि अब ड्रामा ये होता है कि रिकॉर्डिंग किसी और जगह की, उसको बना दिया किसी और जगह का, नाम किसी और का चिस्पा कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं जी? भाई झूठा आदमी का यही तो काम है जी। वो भाई वो काल किसी और ने की होगी, अब ये भी नहीं पता काल हुई कहाँ पे है, ये पता है आप लोगों को है जी? ये ड्रामे है ना, ड्रामेबाजी। हाँ ड्रामेबाजी है ना, ड्रामेबाजी का कोई हल ही नहीं। और रही बात ये कि हम भाई किसी को क्या समझते हैं, हमारी भरा से जाओ जो मर्जी जिसने जो करना करे जाके, गालियां गुलियां निकालना इनका काम है ना जी का, तो गालियां वालों से इधर देखें। मतलब मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो वो एक थे ना हमारे भाई, तो उनसे छोटा सा इख्तलाफ यही हुआ है कि गालियों के ऊपर, तो उनको यही छोड़ दिया हमने, कहा कि भाई ठीक है भाई आप फिर अगर गालियां गुलियां निकालने का नाम आपका है कोई तबलीग तो फिर करें आप, मैं तो कम अज कम फिर यहाँ नहीं रुक सकता, ठीक है ना? बेहतर है ये मामला। हाँ तो हम भाई किसी को क्या जानते हैं। हाँ जी असल में ना वो आपका ना, मैं सिर्फ अर्ज यही करना चाह रहा था जो मैंने आपको पर्सनल में कहा था कि इस तरह के जो लोग आते हैं ना पर्सनल में बड़े मीठे बन के, और भाई जी तुसी साड़ी जान असी ते मुफ्ती साहब क्या बात है। और नहीं ये इसी नहीं अली लंदन नहीं, जिस दिन मैं टिकटॉक पे आया हूँ उसी दिन ही मेरे पर्सनल में इसने खुद रहा की है, कह रहा हूँ ना मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन। ये जो रिकॉर्डिंग चला रहा था ये आकाश मलिक के पास बैठा हुआ था, और ये बंदा वो नहीं है अली लंदन वाला, ये वो है जो सऊदीया में होता है, अब्बास इसका नाम है ठीक है, और ये आपके कॉन्टेक्ट में आया, वो आपकी रिकॉर्डिंग चला रहा था, मैंने बकायदा नीचे भाई वो तो ठीक है, मतलब हम नहीं ना जानते कोई भी हो, चाहे हमें मिल ले हमारे साथ बैठ के खा ले, इससे ये थोड़ी फर्क साबित होता है जी कि हम उसके मौकफ पर मतलब उसके मौकफ पर किसी को धोखा देके फ्रॉड करके धोखा फ्रॉड करके किसी के साथ बैठ के बंदा खाना भी खा सकता है, उसके घर भी आ सकता है, ये कौन सी बात है, ये तो कोई बात ना हुई। बिल्कुल फ्रॉड है ना, फ्रॉड करके जो मर्जी कर लो, बिल्कुल जालसाजी है ना जी, जालसाजी है जी ये बात। अच्छा यार मलक मैं जा रहा हूँ अभी स्पेस में ही, मेरा इंतजार हो रहा होगा, मुझे जाने दे हैं जी। ठीक है बेहतर चला, रब रखा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ते ओ काम अपना ओ मैनु याद ना करवाना पवे जी, मैं कोशिश कर रहे हैं
हाँ जी, बाकी काम इंशाल्लाह काम हो काम होना चाहिए। हाँ जी कोशिश इंशाल्लाह कर रहे हैं। ठीक हो रब रख ओके इंशाल्लाह। जी मियां साहब आप करें बात।